गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज के लैंडमार्क डिसीजन में फिर एक और केस डिस्कस करते हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट आईपीसी और सीआरपीसी में एक अच्छा प्रकाश डालेगा। आज का जो हमारा केस है वो केस है कि ऑक्यूलर विटनेस और मेडिकल एविडेंसेस में कोर्ट किस चीज़ को प्रायोरिटी देगी और कब कब वो ऑक्यूलर विटनेस को प्रायोरिटी देगी और कब कब वो मेडिकल एविडेंसेस को प्रायोरिटी देगी। आइए इस केस के फैक्ट डिस्कस करते हैं। इस केस में दो भाई होते हैं जो एक होटल एक रेस्टोरेंट ओनर होते हैं। उनके यहाँ पर एक वेटर होता है जिस होटल में काम कर रहा होता है। कहानी कहाँ से शुरू होती है? जब ये वेटर होटल के बाहर जाता है कोई भी सामान लेने के लिए तो वहाँ पर तीन लोग गलत तरीके से कार को पार्क किया होता है और कार में ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं। इन तीन लोगों में से दो माइनर होते हैं, दो नाबालिग होते हैं। उन तीन लोगों की इस वेटर से झड़प होती है, थोड़ी सी ऑल्टरकेशन होती है, वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इस वेटर को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। वेटर डरता हुआ हाँफता हुआ अंदर आता है और वो सारी कहानी दो भाइयों को बताता है। इस वेटर के पीछे पीछे वो तीन लोग और आ जाते हैं इसको मारने के लिए, इससे मारपीट करने के लिए। दोनों भाई हैं वो बीच बचाव करते हैं इस वेटर का और मामले को पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू पैसिफाई दिस ऑल्टरकेशन बाय हुक और बाय क्रूक, मगर कहानियां समाप्त नहीं होती है। वो लड़ते झगड़ते कैसे न कैसे उनको बाहर कर दिया जाता है, रेस्टोरेंट से बाहर कर दिया जाता है, होटल से बाहर कर दिया जाता है, मगर यहाँ पर कहानी समाप्त नहीं होती है। कहानी एक नया टर्न लेती है। यहाँ पर जो एक भाई होता है वो बचाव करता हुआ उनको बाहर निकालता हुआ बाहर चला जाता है उनके साथ साथ। तभी कहा सुनी बढ़ जाती है, ऑल्टरकेशन थोड़ा सा और ज़्यादा विकराल हो जाता है, लूम लार्जर हो जाता है और ये विकराल होते हुए इस कहानी के कारण, इस इंसिडेंट के कारण उन तीनों में से किसी एक रिवॉल्वर निकालता है और इस भाई पे दाग देता है। रिवॉल्वर से गोली लगने के बाद इस भाई की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है और मामला एक ट्रेजिक एंड में बदल जाता है। एक छोटी सी कहा सुनी एक बहुत बड़े ट्रेजिक एंड में बदल जाती है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। वो तीनों ड्रंकार्ड पोजीशन में थे, ड्रिंकिंग पोजीशन में थे, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और वो इस ड्रिंकिंग पोजीशन में तीनों में से किसी एक ने उस पर गोली चला दी और गोली के कारण जो भाई है वो वहाँ मर जाता है। इस घटना के बहुत सारे चश्मदीद गवाह होते हैं, वेटर चश्मदीद गवाह होता है, वो भाई चश्मदीद गवाह होता है और भी कई शॉपकीपर चश्मदीद ऑक्यूलर विटनेस इस घटना के बन जाते हैं। यहाँ पर जो पहले रेड जस्टिस काम करता है, सेक्शन 6 काम करता है, इंडियन एविडेंस का सेक्शन 6 काम करता है कि नौकर बाहर जाता है, उसकी वहाँ लोगों से कहा सुनी होती है, फिर वो अंदर आता है, फिर उस सारे परिणाम के कारण रेड जस्टिस यहाँ पर लागू होता है। एक ही सव्यवहार में उस भाई की मर्डर हो जाता है और उसकी हत्या हो जाती है और वहाँ पर जो कल्प्रिट होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ से वो जिसे कहते हैं बंडल ऑफ हो जाते हैं, टेक ऑन हील्स हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, मामले का इन्वेस्टिगेशन चालू होता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन भाइयों को एक सप्ताह के बाद, इन लोगों को, तीन लोगों को एक सप्ताह के बाद अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस कस्टडी में से पूछताछ की जाती है और पूछताछ जब की जाती है तो इन्फॉर्मेशन के दौरान सेक्शन 27 काम करता है और सेक्शन 27 के दौरान पुलिस को एक रिवॉल्वर बरामद की जाती है इनके स्टेटमेंट के आधार पर, इनके बयान के आधार पर। सेक्शन 27 के दौरान एक इनको रिवॉल्वर मिलती है और रिवॉल्वर को पुलिस जब्त कर लेती है, इम्पाउंड कर लेती है, जो बाद में एविडेंस का काम करती है और सारी कहानी इस रिवॉल्वर पर ही घूमती है। जब सेक्शन 27 के अंदर पुलिस रिवॉल्वर जब्त कर लेती है तो ये जाती है फॉरेंसिक लैब में, एक्सपर्ट की राय के पास जाती है और एक्सपर्ट की राय कहता है सेक्शन 45 यहाँ पर काम करता है। इस कहानी में सेक्शन 6, सेक्शन 27 और सेक्शन 45 अपना रोल निभाते हुए कहानी को आगे लेके जाते हैं। मामला कोर्ट में आगे बढ़ता है और सेक्शन 45 में एक्सपर्ट की राय आती है और एक्सपर्ट की राय आती है कि साहब यहाँ पर जो ये गोली चली थी वो इस बैलिस्टिक मिसाइल से चली ही नहीं, यहाँ पर जो है बैलिस्टिक मिसाइल से गोली चली नहीं, यहाँ पर जो है सेशन कोर्ट इसको कन्विक्ट करता है, हाई कोर्ट इसको एक्विट कर देता है, यानी मामला दोराहे पर खड़ा है। पहला है ऑक्यूलर विटनेस का गवाही और दूसरा है एक्सपर्ट की राय, कौन किस पे भारी पड़ता है ये इस कहानी का, इस केस का जो है सार है, इस जिस्ट है कि मेडिकल ओपिनियन ऑक्यूलर विटनेस पे भारी पड़ेगी या ऑक्यूलर विटनेस मेडिकल उस पर भारी पड़ेगी।
यहाँ पर कहानी एक यूटर्न लेती है और जिसे कहते हैं कि ओक्यूलर विटनेस और मेडिकल एक्सपर्ट या डॉक्टर भी यही कहता है कि शार्प वेपन से जो है इसकी हत्या, इसे गोली लगकर इसकी हत्या हुई, ये मेडिकल रिपोर्ट होती है। मगर शार्प वेपन नहीं था, यहाँ पर गोली थी। और यहाँ पर जो था चश्मदीद गवाह ये कहते हैं कि साफ गोली चली और गोली से इसकी हत्या हुई। मगर एक्सपर्ट की राय ये कहती है कि जिस बंदूक से गोली चली थी वो ये बंदूक नहीं है, यानी गोली चलाने वाली बंदूक कोई और थी। तो यहाँ पर ऑक्यूलर विटनेस को कोर्ट एडमिट करेगा या एक्सपर्ट की राय को कोर्ट एडमिट करेगा, ये कहानी अभी दोराहे पर खड़ी है, ये कहानी अभी ट्विस्ट हुए खड़ी, ये कहानी अभी जिंदा है। यहाँ पर सेशन कोर्ट जो है कन्विक्ट कर देता है, हाई कोर्ट बैलिस्टिक रिपोर्ट की रिपोर्ट को वेटेज देते हुए यहाँ पर उसको बरी कर देता है। अब मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वही कहानी पैदा होती है कि यहाँ पर मेडिकल ओपिनियन भी है और यहाँ पर जिसे कहते हैं ऑक्यूलर विटनेस की राय भी है। अब यदि ऑक्यूलर विटनेस की उसको स्टेटमेंट को उनकी टेस्टिमनी पर वेटेज किया जाता है तो नेचुरल है उसको एक्विट कन्विक्ट करना पड़ेगा, और यदि बैलिस्टिक रिपोर्ट की ओपिनियन को, एक्सपर्ट की राय को वेटेज दी जाती है तो उसे एक्विट करना पड़ेगा। कहानी एक्विशन और एक्विट और कन्विक्शन में बराबर चल रही है। तो यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि इन लोगों को 1 सप्ताह के बाद गिरफ्तार किया गया था, तो शायद ये पॉसिबल है कि बंदूक इनके पास 2 हो, ओरिजिनल बंदूक इन्होंने डैमेज कर दी हो, ओरिजिनल बंदूक इन्होंने कहीं छुपा दी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर यह पॉसिबल है कि जिस गोली से बंदूक चली थी वो बंदूक ही पुलिस को बरामद ना हुई हो, जिस गोली से बंदूक ना चली थी वो बंदूक पुलिस को बरामद हुई हो। तो ये कहानी दोहराई पर कड़ी होती है, तो यहाँ पर एक्सपर्ट की राय पर विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, यानी इसे संदेह से परे साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि यहाँ पर वो जो लोग हैं तुरंत इमीडिएट होते, पुलिस तुरंत उनके हाथ से पिस्तौल बरामद करती तो कहानी में दम था। यहाँ पर 1 सप्ताह के बाद वो अरेस्ट होते हैं, 1 सप्ताह के लिए असली बंदूक को छिपाना, उसको हाइड करना या डैमेज करना बहुत ईजी बात थी। 1 सप्ताह के बाद वो जो है मिलते हैं, तो हो सकता है कि जिस गोली से बंदूक से गोली चली हो वो कोई दूसरी बंदूक हो, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को राय देते हुए, इस चीज को वेटेज देते हुए कि यहाँ पर एक्सपर्ट की राय को, ओपिनियन को नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक्सपर्ट की जो राय है यहाँ पर मिसमैच होने के लिए कारण है, संदेह में आने के कारण है, क्योंकि ये लोग 1 सप्ताह के बाद जो अरेस्ट हुए थे, तो 1 सप्ताह में सारी कहानी बदल सकती है, 1 सप्ताह में सारी कहानी चेंज हो सकती है, बंदूक को छिपाया जा सकता है, दूसरी बंदूक खरीदी जा सकती है अपने साक्ष्य को छिपाने के लिए। तो यहाँ पर इस एविडेंस को करोबरेटिव नहीं माना जा सकता, सेक्शन 27 यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आता है, जबकि डायरेक्ट विटनेस ओक्यूलर विटनेस की जो गवाही है उनको करोबरेट किया गया आपस में, तो कहानी लगभग लगभग सेम होती हुई आई, आपस में करोबरेटिव हो गए सबकी कहानी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ओक्यूलर विटनेस को वेटेज देते हुए यहाँ पर उनको कन्विक्ट करता है, यहाँ पर उनको कन्विक्ट करता है। 2 तो आपके जुवेनाइल थे तो उनको तो जेजे एक्ट के अंतर्गत लिया गया, 1 उनमें मेजर था उसको जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया गया, यहाँ पर कन्विक्ट किया गया क्योंकि ओक्यूलर जो विटनेस थे उनकी टेस्टिमनी को, उनकी गवाही को जिसे कहते हैं कि वेटेज दिया गया, और वहाँ पर इस वेटेज के कारण जो भी है मेडिकल जो जो भी एक्सपर्ट की ओपिनियन थी, जो भी 45 में काम कर रहा था, वो थोड़ा सा विटनेस, वो थोड़ी सी स्टेटमेंट, वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हल्का पड़ता हुआ नजर आया, कमजोर पड़ता हुआ नजर आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओक्यूलर विटनेस को काफी वेटेज दिया गया, ओक्यूलर विटनेस को यहाँ पर वेटेज दिया गया। इसी के साथ हम यहाँ पर ये चीज सिद्ध करना चाहेंगे कि मेडिकल एविडेंस और ओक्यूलर विटनेस हो, और जहां तक ओक्यूलर विटनेस पर संदेह करने का कोई कारण ना हो और मेडिकल एविडेंस किसी भी प्रकार संदेह के दायरे में आ जाए तो वहां पर ओक्यूलर विटनेस की गवाही को, उनकी टेस्टिमनी को वेटेज दिया जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा ये जो लैंडमार्क डिसीजन है इसकी कहानी को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद आया आपको इसके सेक्शन और लॉ का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा चैनल, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा फैक्ट्स, हमारा केस प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं। इस तरह आपके कमेंट हमें मिलते रहे तो हम इस फील्ड में आपके लिए और अच्छी से अच्छी नॉलेज लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।